वेलकम स्टूडेंट, अब हम आए हैं एक्सरसाइज में कि अभी तक अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि क्या क्या कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं, क्या कंप्यूटर के लिमिटेशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, वो सब अपन ने पढ़ा था। और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि घर पे बैठ के आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, रिविज़न करना है कि आपको मैंने क्या पढ़ाया उसको आपको खुद से क्या करना था, रीड करना था। क्या आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने रीड किया होगा, रीड करके आप इस लेक्चर में आए होंगे, तब जाके आपको क्या होगा, एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे और सारे क्वेश्चन को आप क्या इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अपन फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से अपन को फिलअप करने हैं। चलो फर्स्ट फिलअप पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर इज़ यूज टू डैश पिक्चर्स एंड सॉल्व डैश पिक्चर। पिक्चर को अपन क्या करते हैं, पिक्चर को अपन क्या करते हैं, बनाते। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लिखा है, ड्रॉ। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो ए तो ये आ जाएगा और इसमें क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉ, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ। एंड सॉल्व, मेमोरी को सॉल्व करते हैं, नहीं मिस्टेक्स को करते सॉल्व, नहीं लैपटॉप को करते, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को करते, नहीं सम्स। अपन क्या करते हैं, सम को क्या करते हैं, सॉल्व करते। तो इसमें क्या आ जाएगा, सम्स यानी प्रॉब्लम्स। एक कंप्यूटर, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूटर नेवर टेक्स, कंप्यूटर कभी क्या नहीं करता है, मिस्टेक्स। तो आपको याद ही होगा, अभी अपन ने जस्ट पिछली लेक्चर्स में ही पढ़ा था मिस्टेक्स। थर्ड नंबर, डैश इज ए स्मॉल कंप्यूटर। देखिए मेमोरी कोई कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप, लैपटॉप इज ए स्मॉल कंप्यूटर। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, लैपटॉप इज ए स्मॉल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंप्यूटर हैज़ ह्यूज, कंप्यूटर की बड़ी क्या होती है, मेमोरी। अभी जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, एक कंप्यूटर इज एंड डैश मशीन, लास्ट बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ई नंबर का ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो बहुत ही इजी था। कब इजी होगा, जब आपने इसको चैप्टर क्या पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, सर्कल द करेक्ट पिक्चर। सर्कल करना है अपन करेक्ट पिक्चर के ऊपर। देखिए, हु इज़ वर्किंग फास्टर, राहुल है जो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। और अपन देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो बताओ, राहुल तेज है या कंप्यूटर तेज है, आप सबको पता है कौन तेज है, कंप्यूटर। तो उस पर अपन को क्या करना है, सर्कल करना है। आप भी ऐसे सर्कल कर दीजिए पिक्चर के ऊपर। अगला, हु इज़ फीलिंग टायर्ड। देखो इसमें दो जन है, एक कंप्यूटर है और एक कौन है, प्रीति है। प्रीति क्या हो रही है, बिल्कुल थक गई है। इन कंप्यूटर कभी थकता है क्या, नहीं। पर इसमें पूछा है फीलिंग टायर्ड, कौन टायर्ड हो रहा है, प्रीति। तो किसके ऊपर आ जाएगा, गोला, प्रीति के ऊपर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु कैन रिमेंबर ऑल द टेलीफोन नंबर्स। कौन है जो सारे टेलीफोन नंबर को याद कर ले कर सकता है, ऑफकोर्स कंप्यूटर है या आरुषि है, कंप्यूटर। क्योंकि अपन तो भूल भी सकते हैं नंबर को, लेकिन कौन नहीं भूल सकता, कंप्यूटर नहीं भूल सकता। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, सारे नंबर को क्या कर सकता है, याद कर सकता है। नेक्स्ट सेशन में आएंगे अपन सिमुलेटिव असेसमेंट। सिमुलेटिव असेसमेंट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन को अपन ने टिक करना है। द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कंप्यूट का जो मतलब क्या होता है, अपन ने अभी देखा था कैलकुलेट। कंप्यूटर का, कंप्यूट का मतलब क्या है, कैलकुलेट। अभी जस्ट अपन देखते हैं कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर हार विदाउट टेकिंग। कंप्यूटर कोई भी काम कर सकता है बिना कुछ रेस्ट लिए, आर ई एस टी, रेस्ट। ए कंप्यूटर
डस नॉट हैव, कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है, फीलिंग, फीलिंग नहीं होता, मेमोरी तो होता है, दोनों नहीं, बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है पहला और दूसरा दोनों नहीं, नहीं कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है, फीलिंग नहीं होता है, फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास क्या नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे तीनों ही। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अपन ने पढ़े थे कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर पढ़े थे, सबसे पहले तो पढ़ा था डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकंड कौन सा पढ़ा था अपन ने, लैपटॉप कंप्यूटर। उसके बाद लास्ट लास्ट कौन सा पढ़ा था, एंड पाम टॉप कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर होते हैं, तो ये तीनों कंप्यूटर के नेम आपको लिखने हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक तो हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर। व्हाई आर कंप्यूटर्स कॉल्ड वर्सेटाइल, कंप्यूटर को वर्सेटाइल क्यों बोला गया है, बिकॉज कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क इन ए सेम टाइम, एक ही टाइम में वो क्या कर सकता है, बहुत सारे टास्क कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, वर्सेटाइल बोला गया है। इसका आंसर लिखते हैं अपन, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी jobs at the same time, that's why that is why a computer is called versatile. कितना इजी है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम, दैट इज वाई ए कंप्यूटर इज कॉल्ड वर्सेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कोई भी दो फीचर्स को अपन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपको दो फीचर्स के नाम पता होने चाहिए, बहुत सारे फीचर्स हैं, अपन उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। अपन एक तो अपन को कौन सा याद आ रहा है, एक तो सिंपल सा है नेवर टायर्ड, तो देखो नेवर टायर्ड लिख दो, नंबर वन नेवर टायर्ड, नेवर टायर्ड में अपन नहीं लिख सकते, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एट ऑल, ए कंप्यूटर डज नॉट
गेट टायर्ड एट ऑल। सेकंड फीचर्स लिख सकते हैं अपन, जो अभी अपन ने ऊपर लिखा था अपन वही लिख सकते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। मैंने दो फीचर्स लिख दिए, जरूरी नहीं आपको यही दो फीचर्स लिखने, आपको जो भी दो फीचर्स याद हो या पसंद हो कोई भी दो फीचर्स आप लिख सकते हो। अपन ने कौन कौन से दो फीचर्स लिखे, एक अपन ने लिखा नेवर टायर्ड कि वो कभी नहीं सकता, और एक लिखा वर्सेटाइल वो एक टाइम में क्या कर सकता है, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये हो गए आपकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से अपने जो भी आंसर है उसको अच्छी हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे आपको नोटबुक में भी लिखना है, और आपको एक कंप्यूटर की कॉपी बनानी है, उस कॉपी में भी आपको क्या करना है, वर्क करना है। क्या क्या वर्क करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है, टिक कर लीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर के नोटबुक में लिखना है। तो कंप्यूटर की नोटबुक बनेगी, उसमें आपको उतारना है। और पिक्चर वाले आपको नहीं उतारने हैं। उसके बाद आपको ये टिक मार्क है, इसको भी आपको क्या करना है, कंप्यूटर के नोटबुक में उतारना है। कंप्यूटर के नोटबुक में आपको उतारना है, और इस क्वेश्चन आंसर को भी आपको क्या करना है, कंप्यूटर के नोटबुक में उतारना है। कैसे उतारना है, कर्सिव राइटिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आपको बिल्कुल उतारना है। बुक्स में पहले फिल कर दीजिए वीडियो के साथ, और उससे देखते देखते आप क्या करिए, आपके नोटबुक में उतारिए, और इसको अच्छे से लर्न कीजिए, हर एक चीज़ को समझिए। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में इसमें कमेंट कीजिए, या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो, और समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें अपने दोस्तों को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, और उनको भी बताएं कि कैसे अपन ने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। और इस फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होते ही अब आपको उसका रिवीजन करना है, और जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपन इसमें से स्मॉल आपको टेस्ट दिया जाएगा, वो टेस्ट भी आपको अच्छे से देना है और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।